तो इस बाग का नाम पहले आरामबाग हुआ करता था, लेकिन जब 1775 से लेके 1805 के बीच में मराठाओं ने आगरा पे जब हुकूमत की तो उन्होंने इस बाग का नाम बदलकर रामबाग कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये सब तरफ आप इस तरीके से ये नहर टाइप देखेंगे, ये सब तरफ बना हुआ है, जैसे कि इधर भी सब तरफ ये बाग पूरी तरीके से नहर से बटा हुआ है। तो जैसे बागे चिनार हो गया, इस टाइप के बाग बाबर ने काफी सारे अपने शहर में देखे थे, तो उसने उसी सोच को चलते हुए यहाँ पर भी काफी सारे बाग का निर्माण करवाया। दोस्तों ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, दरअसल आप देख रहे हैं ये सीधे यमुना नदी की तरफ जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पर काफी गर्मी हुआ करती थी। सही, हमें चबूतरा फतेहपुर सीकरी में चार समुंद में देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको ये बाग, जो ये मेरे पीछे जो कमरे बने हुए हैं, इनका मैं अंदर से आपको व्यू दिखाऊं, क्योंकि आगरा में काफी ज्यादा गर्मी होती थी और बाबर आगरा की गर्मी से काफी ज्यादा परेशान था, तो उसको सिर्फ एक ही रास्ता देखा था कि बाग बनाओ और वहां से अपनी गर्मी दूर करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको जो जगह एक्सप्लोर कराने वाला हूं उसको रामबाग बोला जाता है, या आरामबाग भी आप बोल सकते हैं, जिसका निर्माण बाबर ने 1528 में कराया था। ये जो आप मेरे पीछे पूरी इमारत देख रहे हैं ये रामबाग है। इसके अंदर का सारा मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, क्या इसके अंदर बना हुआ है, क्या क्या खूबसूरती है, इसको क्यों बनाया गया था, वो सारा मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन मैं काफी मुश्किल से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया निकला हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस बाग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं, ताकि कितनी भी बारिश हो वो हमें रोक नहीं सकती। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, और प्लीज हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और हमें प्यार दीजिए। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल फेस्ट व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर कर देनी है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको इस बाग के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं, आइए मेरे साथ। दोस्तों अगर मैं इस रामबाग की बात करूं तो ये आगरा के ताजमहल से लगभग 4 किलोमीटर और एतमादउद्दौला मकबरे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, जो रामबाग चौराहे के पास ही बिल्कुल बना हुआ है। ये सारा आपके सामने रामबाग का व्यू है, चलिए अंदर चलते हैं और आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं। दोस्तों दरअसल इस बाग का निर्माण 1528 में बाबर ने करवाया था, जो मुगल वंश के मुगल सल्तनत के पहले शासक थे, जिन्होंने मुगल सल्तनत की नींव रखी थी, क्योंकि 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद जब वो आगरा आए थे तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण कराने के कारण ये था क्योंकि आगरा में काफी ज्यादा गर्मी होती थी और बाबर आगरा की गर्मी से काफी ज्यादा परेशान था, तो उसको सिर्फ एक ही रास्ता देखा था कि बाग बनाओ और वहां से अपनी गर्मी दूर करो। तो इसी तरीके से उसने काफी सारे बाग लगवाए, और इस बाग का निर्माण जब उसने कराया था तो इस बाग का नाम पहले आरामबाग हुआ करता था, लेकिन जब 1775 से लेके 1805 के बीच में मराठाओं ने आगरा पे जब हुकूमत की तो उन्होंने इस बाग का नाम बदलकर रामबाग कर दिया। और उसके बाद हम जैसे कि जहांगीर की आत्मकथा तुसुकी जहांगीरी में लिखा हुआ है कि जहांगीर के दौर में इस बाग को काफ़ी बखूबी तरीके से इसकी देखरेख की गई थी, और ये उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सुधारा गया था। तो आज हम सारा जो व्यू देख रहे हैं ये आज पूरा रामबाग का व्यू है, जो हमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है। ये सारी इमारतें स्ट्रक्चर बना हुआ है जो बताते हैं कि हाँ मुगलों ने हमें इस तरीके से डिज़ाइन किया है, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आज आपको मोस्टली कपल्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। दोस्तों दरअसल ये बाग जो है वो चार पार्ट में डिवाइडेड है, जो बीच में नदियों के सहारे से बटा हुआ है, और इसी के साथ साथ इसमें जो पानी आता था सीधे यमुना नदी से आने के बाद इन पूरी ये जो है ये नदियों में भर जाता था, जिससे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बाग ठंडा रहता था और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता था। तो ठंडा रखने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाबर ने काफ़ी सारे बागों का निर्माण करवाया है, जो उसी वजह से करवाया था कि काफ़ी गर्मी थी और गर्मी से बचने के लिए बाग का निर्माण उसने काफ़ी सारे बाग कराए, जैसे कि मेहता बाग मैंने आपको बताया और काफ़ी सारे, तो यहाँ से ही सारा पानी भर के आगे पूरे में ये भर जाता था। ये देखिए दोस्तों, ये सब तरफ आप इस तरीके से ये नहर टाइप देखेंगे, ये सब तरफ बना हुआ है, जैसे कि इधर भी सब तरफ ये बाग पूरी तरीके से नहर से बटा हुआ है, और जैसे कि यहाँ से पानी आने के बाद यहाँ से उतरते हुए इसके अंदर होते हुए आगे पूरा भर जाता था, जिसमें ये एक अलग ही खूबसूरती प्रदान करता था। और आज इस बाग में आपको काफी हरी भरी हरियाली देखने को मिलेगी, जो इस बाग की खूबसूरती में और चार चांद लगाती है। इसमें हम पुरानी इमारत आज भी देख सकते हैं जो उस टाइम पर बनाई गई थी, ये जैसे कि ये बुर्जी है, और उस साइड ये कोने में जो बुर्जी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, मैं जूम करूं, ये जो उधर बुर्जी बनी हुई है ये सारी उसी टाइम की बनी हुई है जब बाबर ने इसका निर्माण 1528 में करवाया था। तो दोस्तों अब दरअसल मैं इस आरामबाग जो है जिसका नाम रामबाग कर दिया गया है, इसके मैं टॉप पॉइंट पे आ चुका हूँ, सबसे ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से आप देखेंगे यमुना नदी का व्यू कितना शानदार दिखाई देता है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सारा यमुना नदी का व्यू है, और अभी बारिश पड़ रही है तो काफ़ी ज़्यादा इसका नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहा है। अभी मैं बात करूँगा कि बाबर की डेथ, बाबर ने इस पूरे रामबाग का निर्माण करवाया था, उसके बाद जब 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी तो उसके लगभग 85 साल बाद 85 ईयर्स बाद ये जो मेरे पीछे महल देख रहे हैं, दरअसल ये एक जो मेरे पीछे ये महल है और दूसरा ये दो जो महल है, दरअसल ये कमरे बने हुए हैं जो एक महल नुमा टाइप बने हुए हैं। इसका निर्माण बाबर के परपोते जहांगीर ने
1615 से लेकर 1619 के बीच में करवाया था, जो ये कमरे नुमा बने हुए हैं लेकिन काफी खूबसूरत बने हुए हैं। अगर मैं आपको इनके अंदर से दिखाऊं तो ये काफी ज्यादा नजारा बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये एक चबूतरा टाइप बना हुआ है जो बिल्कुल पानी के बीच में बना होता था। उस टाइम पे यहाँ पे पानी भरा हुआ होता था जो कि यमुना नदी से सीधे यहाँ पर आता था, जिससे इस बाग में और ज्यादा खूबसूरती होती थी। तो ये ऐसे ही हमें चबूतरा फतेहपुर सीकरी में चार चमन में ही देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको ये बाग जो ये मेरे पीछे जो कमरे बने हुए हैं इनका मैं अंदर से आपको व्यू दिखाऊं, मैं ये इस चीज की याद दिलाते हैं कि मुगलों ने हिंदुस्तान में कितनी ज्यादा खूबसूरत और भव्य इमारतें बनवाई हैं। तो अगर मैं इस कमरों को आपको अंदर से व्यू दिखाऊं तो वो ये कुछ इस तरीके से रहा। तो दोस्तों ये रहा वो शानदार नजारा जो मैं आपको बता रहा था। इसके अंदर से अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये सामने जो पच्चीकारी हुई है, सामने जो दीवार पर, ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अभी तो हमें ये नॉर्मल सा देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस टाइम पे बना होगा तो उस टाइम पे ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत होगा, जैसे कि हिंदुस्तान की और इमारतें हैं जो पहले तो अच्छी थी लेकिन आज हमें उस अवस्था में देखने को नहीं मिलती है। तो ये देखिए, अगर मैं ऊपर से आपको दिखाऊं तो ये इस वाले में नहीं, मैं आपको ऊपर वाला नजारा शायद मुझे इस वाले में देखने को कुछ कुछ मिल सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ, ये देखिए, ये इसकी दीवार देखिए, ये जो सामने बने हुए हैं, ये चीजें जो बनी हुई है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन अभी ये बढ़िया तरीके से दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि काफी टाइम हो गया है इसको बने हुए, लेकिन अगर उस टाइम पे हम देखते जिस टाइम पे इसको बनाया गया था तो ये काफी भव्य और काफी खूबसूरत हमें दिखाई देता था। दोस्तों ये जो सीढ़ियां जा रही हैं, दरअसल आप देख रहे हैं ये सीधे यमुना नदी की तरफ जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पर काफी गर्मी हुआ करती थी जिस टाइम पे मुगल से बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। तो बाग को निर्माण करवाने का बाबर का सेंस यही था कि गर्मी से बचने के लिए बाग का निर्माण करवाया, क्योंकि बाबर ने अपनी जिंदगी में काफी सारे बाग बनवाए, आगरा में भी जैसे कि मेहताब बाग हो गया और काफी सारे बाग उसने बनवाए। तो ऐसे ही उसने ये बाग भी बनवाया जब बाबर 1526 में पानीपत की जंग हुई, उसके बाद उसने बाबर की हुकूमत आई, मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, उसके बाद बाबर ने ये बाग बनवाया। और ऐसा बाग उसने ये ईरानी कुछ शिल्पकला से मिलता जुलता बनवाया, क्योंकि ऐसे ही बाग उसने काफी अपने शहर काबुल में भी देखे थे, जैसे बाग चिनार हो गया, इस टाइप के बाग बाबर ने काफी सारे अपने शहर में देखे थे। तो उसने उसी सोच को चलते हुए यहाँ पर भी काफी सारे बाग का निर्माण करवाया, जैसे कि उनमें से एक है ये आराम बाग। दोस्तों ये देखो, ये पूरे राम बाग है, राम बाग से ये यमुना नदी, भाई कितनी शानदार लग रही है। और दोस्तों बारिश में तो इसका नजारा कुछ और ही होता है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी यमुना नदी का व्यू है पूरा। अभी यमुना नदी भर के चल रही है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तक वो खाली थी, लेकिन जब से बारिश हुई है तो यमुना नदी और ज्यादा खूबसूरत हो गई है। और ये सामने ब्रिज जा रहा है, ये राम बाग और वाटर वर्क्स को आपस में जोड़ता है, ये उस साइड को इस साइड से जोड़ता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी काफी वीडियो बता चुका हूँ कि मुगलों ने जितनी भी इमारतें बनवाई हैं, मोस्टली इमारतें वो यमुना नदी के किनारे ही बनवाई थी। उसका रीजन ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि एक प्रजा को खुश रखने के लिए पानी की और अच्छे अनाज की जरूरत होती है, जो हमें पानी से मिलता है, और यमुना नदी में पानी काफी सारा है, इस वजह से अनाज की टेंशन बिल्कुल नहीं थी। तो इसी यही चीज सोच के मुगलों ने इमारतें अपनी ज्यादातर यमुना नदी के किनारे बनवाई हैं। और एक टाइम पर पूरी यमुना नदी के दोनों साइड काफी सारी इमारतें थी, लेकिन आज हमें सिर्फ रामबाग, एतमादुद्दौला, लाल किला और ताजमहल जैसी इमारतें बाकी देखने को मिलती, बाकी सारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तो सेम ये भी रामबाग का भी यही सीन है। और यहाँ से दोस्तों ये आपको अगर मैं पूरा व्यू दिखाऊँ रामबाग का, तो भाई क्या शानदार व्यू है, एक अलग ही खूबसूरती ये देता है, अलग ही खूबसूरती ये प्रदान करता है, जो कि आप हमारे सामने ये देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो बनाते बनाते हम पूरा भीग चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए हमने वीडियो कंप्लीट की है, तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक करें। और ये सारा कुछ था इस वीडियो में जो हमने आपको आरामबाग और रामबाग के बारे में बताया। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी रामबाग के बारे में पसंद आती है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक और अनएक्सप्लोर्ड प्लेस के साथ, तब तक के लिए तो चलिए मिलते हैं फिर एक और अनएक्सप्लोर्ड प्लेस या फिर हिडन जेम्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।